यह सोना सतलुज जिहड़ा 1450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चाइना के रक्षताल लेक तो शुरू हुंदा है, फिर एक नॉर्च वहिंदा है, फिर रामपुर बशहर तत्ता पाणी सूनी शिमला हुंदे होए सोलन जिले की सरहद नूं टच करके सुंदर नगर सलापड़ बिलासपुर नैना देवी हुंदे होए भाखड़ा डैम पहुँचता है। यह जिहड़ी मैं थां देखणा है भाखड़ा डैम तो भाखड़ा डैम के पैरां च है नैला पिंड जिथे अजकल एक प्लांट लग रहा जिहड़ा भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। 15 मेगावाट की समर्था है, 30 एकड़ जगह दे विच है और तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत नाल ये प्रोजेक्ट बन रहा। प्रोजेक्ट की उम्र 25 साल है। कमाल की गल यह है कि पानी सानू कुछ ना कुछ दिंदा है। जिथे मैं खड़ा इस तो पिछे भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम तो पिछे सलापड़ परियोजना है, सुंदर नगर परियोजना है, पंडो है, तो किन्नौर जिले के भी बहुत सारिया वो योजनावां हैं जिहड़ियां पानी ते बिजली नाल जुड़िया हुई है। अगे नंगल डैम है और नंगल डैम तो बाद सतलुज पंजाब च वहिंदा है, आनंदपुर साहब, कीरतपुर साहब, रोपड़, लुधियाना होके हरिकेपत्तन तो फिर पाकिस्तान चले जाता है, तो पाकिस्तान च पंचनाद नाँ की जगह पर जाके सिंध दरिया च मिलता है, फिर अरब सागर चले जाता है। पानी जिंदगी है, पानी साड़ी लाइफ लाइन है, पानी सानू विकास की लीह ते तोड़दा है। ते अज असी गल करांगे पिंड नैला दे विच लग रहे 100 करोड़ की लागत वाले भारत के पहले डाउन स्ट्रीम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। इस वेले मैं पिंड नैला च मौजूद हाँ जिहड़ा भाखड़ा डैम के पैरां च स्थित है, जिथे भारत का पहला डाउन स्ट्रीम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा है। इस दे बारे आपां जानकारी लवांगे जिहड़े साइट इंजीनियर है साडे बहुत ही सत्कारयोग नवीन जी। नमस्कार सर जी, यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग सोलर हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ये SJVN का 15 मेगावाट का प्लांट है जो हरटेक से ऑपरेट हो रहा है। हरटेक टीम इसको एग्जीक्यूट करवा रही है। ये फर्स्ट डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है जो सोलर का फ्लोटिंग सोलर जो डाउन स्ट्रीम पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं हम लोग। ये इंडियाज़ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है डाउन स्ट्रीम के ऊपर और यहाँ पे हम लोग 15 मेगावाट AC जनरेट करवा के BBMP को फीड करवाएंगे। नैला च इस वेले मैं मौजूद हाँ जिथे भारत का पहला डाउन स्ट्रीम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा जिहड़ा सतलुज जल विद्युत निगम लगा रहा, तो यदा प्रबंध बाद दे विच जदों ये कंप्लीट हो जाएगा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड देखेगा। तो मैं इस वेले साइट पर मौजूद हाँ और सेफ्टी नूं लैके की इंतजाम है इस दे बारे मैं गल करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग इंजीनियर तिवाड़ी जी नाल, खास तौर पर इस रेफरेंस नाल कि ये इंटरनेशनल वैटलैंड इत्थों नज़दीक है। कई लोगों के दिमाग दे विच ये है कि इस दे नाल पर्यावरण नूं कुछ खतरा होएगा, यही अपनी गल रखणगे तिवाड़ी जी। सर, हम जो ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हमें है कि पोल्यूशन फ्री है, इससे ना किसी जानवर को ना किसी पर्सन को किसी तरह की दिक्कत होगी, ना कोई पोल्यूशन होगा और ना ही यहाँ आसपास जो एनवायरनमेंट में हमारे पशु पक्षी रहते हैं उनको कोई परेशानी होगी, बल्कि पोल्यूशन कम होगा और हम इससे 15 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करेंगे और इससे हमारा जो एक इंटरनेशनल वेटलैंड है उसको भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अज असी अजीत वैब TV के दर्शकों के लिए एक खास डॉक्यूमेंट्री लैके आए हैं भाखड़ा डैम के पैरां च स्थित पिंड नैला दे विच भारत का पहला डाउन स्ट्रीम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लग रहा है, जिसकी समर्था 15 मेगावाट होएगी। सतलुज जल विद्युत निगम इस तैयार कर रहा है और मई के एंड तक इसके कंप्लीट होने की संभावना है, तो इस तों बाद इसका प्रबंध भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड देखेगा। मैं इस वेले पिंड नैला च हाँ जिथे ये प्रोजेक्ट बन रहा है सोलर फ्लोटिंग सोलर, तो इस दे बारे ज़्यादा जानकारी लैन दे लई मैं जिहड़े साइट इंजीनियर है नवीन जी उन्हां नाल गल करदा। नवीन जी, तुसी इस प्रोजेक्ट बारे सानू जानकारी दे। नमस्कार जी, ये 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट टाइम डाउन स्ट्रीम के ऊपर इंडिया के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। हमारा ये जो प्लांट है 15 मेगावाट AC कैपेसिटी का है, हम लोग 22 मेगावाट DC साइड लगा रहे हैं यहाँ पर और इस प्लांट को एग्जीक्यूट करने का फ्लोटिंग सोलर्स जहाँ पे भी हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हमारा लैंड का जो यूज़ है वो रिड्यूस हो, मिनिमम लैंड अपन काम में लें और मैक्सिमम आउटपुट इन सेक्शन ऑफ पावर हम लोग निकाल पाएँ।
तो इसीलिए हम लोग ये फ्लोटिंग सोलर का जो नया कॉन्सेप्ट है हम लोग उसे इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो 15 मेगावाट का यहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग सोलर लगाएंगे जो डाउनस्ट्रीम के ऊपर है। ये अभी तक इंडिया के अंदर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंडिया फर्स्ट डाउनस्ट्रीम के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 15 मेगावाट AC है, 22 मेगावाट DC है। यहाँ पे हम लोग सारा सेटअप जो भी है हमारे मॉड्यूल्स इन्वर्टर्स उन सब का इंस्टॉलेशन यहाँ पे करवा के और इसकी सप्लाई सेक्शन जो है हम लोग BBMB को मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं हूँ इंजीनियर तिवाड़ी साढ़े नाल है, उन्होंने तो मैं ये जानना चाहूँगा तिवाड़ी जी आप बताइए कि सुरक्षा को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी क्या योजना है और आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार किसी क्षेत्र में कोई जब विकास का प्रोजेक्ट आता है तो पर्यावरण प्रेमी या और लोग चिंतित हो जाते हैं कि इससे पर्यावरण को कुछ लॉस ना हो और सामने हमारे जो है इंटरनेशनल जो है वेटलैंड भी है उसको मेंशन करते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बचाव का क्या तरीका है, इससे कोई पर्यावरण को थ्रेट तो नहीं है। नमस्कार सर, एक्चुअली क्या है कि जो भी ये प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है तो हमारा बेसिक मोटिव यही है कि जब भी हम एनर्जी जनरेट करें बिलासपुर का पिंड है और इतों के जोड़े लोकल निवासी है इस प्रोजेक्ट के लगन करके काफ़ी खुश है क्योंकि बड़ी मुद्दत बाद इस इलाके दे विच कोई चंगा प्रोजेक्ट आया है। स्थानक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और ये लोगों की आमदन भी बढ़ेगी। ये नंगल भाखड़ा तो अजीत वैब टीवी गुरप्रीत सिंह गरेवाल की विशेष।